धन्यवाद आदरणीय मिश्र जी। धर्म कल्पतरुमणि विषहर रत्नं च चिन्तामणि धर्मताम दुधाशदा शुभकरी संजीवनी चौषधी धर्म काम घट चल्पेण परमेण पाल हृदा नो चेत वृत्ता जीवनम। धर्म कल्पतरु विषहर मणि चिंतामणि रत्न है, सदा सुख देने वाली कामधेनु है और संजीवनी औषधि। धर्म कामघट कल्पलता विद्या और कला का खजाना है, इसलिए उस धर्म का प्रेम और आनंद से पालन करके जीवन जीने का एक विधा है। आहार निद्रा भय मैथुनम चो सामान्य मे तत्पशुवे नराणाम धर्मो इतेषामधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समानाम। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये तो इंसान और पशु में समान रूप से विद्यमान होते हैं। इंसान में विशेष केवल धर्म है, अर्थात बिना धर्म के पालन करने से मनुष्य पशु तुल्य हो जाता है। भारतीय संस्कृति और धर्म में जो विशेषताएं हैं उन सबको आज यहां पर सभी धर्मों में क्या कुछ विशेष कहा गया उसकी चर्चा करने के लिए आज हम सब 2 अक्टूबर महान विभूति और आदर्श व्यक्तित्व के धनी 2 महान विभूति हैं, महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनके जन्म दिवस पर आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं नन्हे मुन्ने छात्रों, हिंदू धर्म एक धर्म नहीं बल्कि वह जीवन जीने की एक कला है। उसमें कहा गया है हिंदू धर्म में कि ब्रह्म ही सत्य है, अहम् ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि वसुधैव कुटुंबकम्। ऐसे शब्दों ऐसे वाक्यों से हम सब उस हिंदू धर्म के सूत्र के रूप में जानते हैं। ईश्वर एक है और वही प्रार्थनीय और पूजनीय है, वही सृष्टा है, वही सृष्टि भी है। शिव राम कृष्ण आदि सभी उस ईश्वर के संदेश वाहक हैं। हजारों देवी देवताओं उसी एक के प्रति नमन है। हमारे धर्म की खूबसूरती है कि हम साकार और निराकार दोनों की उपासना करते हैं। जहां पर हम शिव पार्वती राधा कृष्ण रामचंद्र हनुमान जी दुर्गा जी लक्ष्मी जी गणेश इत्यादि देवी देवता, हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि जो देवी देवता हैं हम उनकी आराधना करते हैं। और
मूर्ति पूजा से परे निराकार स्वरूप की भी हम सब साधना करते हैं। वेद ही धर्म ग्रंथ है, अर्थात यह जो हिंदू धर्म है यह वैदिक काल से भी है, सनातन धर्म जिसका नाम सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र थे, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। तो जो यह सनातन धर्म है यह अनादिकाल से चला रहा है और हम सब हमारे ऋषि मुनि महापुरुष सभी उसमें जीते चले आ रहे हैं। वेद ही धर्म ग्रंथ है, अर्थात हिंदू धर्म में वेद, वेद जो है वह निश्चित रूप से एक सूत्र के रूप में काम करते हैं। जब मनुष्य भटकता है तो यदि वेद के वाक्य उसको समझ में आ जाते हैं तो जो उसका भटकाव होता है वह दूर हो जाता है। अंधेरे में ज्योति की तरह वेद वाक्य होते हैं। सृष्टि उत्पत्ति व प्रलय, सनातन हिंदू धर्म की मान्यता है कि सृष्टि उत्पत्ति पालन एवं प्रलय की अनंत प्रक्रिया चलती है। गीता में कहा गया है कि जब ब्रह्मा का एक दिन उदय होता है तब सब कुछ अदृश्य और दृश्यमान हो जाता है और जैसे ही रात होने लगती है सब कुछ वापस आकर अदृश्य में लीन हो जाता है। वह सृष्टि पंचकोश तथा आठ तत्वों से मिलकर बनी है। वेद कहते हैं कर्मवान बनो, कर्म करो, कर्मेण वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनो, अर्थात हमें कर्म करना चाहिए। प्रश्न उठता है कि हमें कर्म कैसा करना चाहिए। एक चोरी करने वाला व्यक्ति भी सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, एक जो भ्रष्टाचारी है आतंकवादी है जो कि नाना प्रकार के परेशानियों में देश को डालते हैं लेकिन वो भी कहते हैं मैं कर्म कर रहा हूं। आवश्यकता है सत्कर्म करने की, ऐसा कर्म जो कि किसी को कष्टकर ना हो, अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पुनर्जन्म। सनातन हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जन्म और मृत्यु के निरंतर पुनरावर्तन की प्रक्रिया से गुजरती हुई आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। तभी तो गीता में कहा गया है कि वशांस जीर्णा नियता विहाय नवान गृहणान्ति नरोष्पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयान शय्याति नवान देहि। अर्थात जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर के नया वस्त्र धारण कर लेता है उसी तरह ये जो आत्मा है वह उस शरीर को छोड़ करके और नए शरीर को धारण कर लेती है। पुनर्जन्म के बारे में पुराणों में और कई चीजों पर विशेष कहा गया कि पूर्व जन्मे च विद्या, पूर्व जन्मे च धनम, पूर्व जन्मे चे नारी अग्रे धावती धावती। हम पूर्व जन्म के विधा किस तरह भी समझ सकते हैं,
ज्योतिष में पुराणों में कहा गया प्रारब्ध संचित और क्रियामान। प्रारब्ध ही पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म कैसे, एक व्यक्ति के दो पुत्र होते हैं और वह दोनों की परवरिश ही भी उसी तरह करता है कि बेहतर इंसान बने, विद्वान बने। लेकिन हम देखते क्या है कि उन्हीं में से एक बालक जिस तरह परवरिश पहले वाले की गई उसी तरह से दूसरे की गई, लेकिन उसके जो प्रारब्ध के भोग थे वह उसको ज्यादा विद्वान बना देते हैं, स्वस्थवान बना देते हैं, और दूसरा उतना ना स्वस्थ रह पाता है ना उसका जो सोचने की क्षमता है ज्यादा विकसित हो पाती है। अर्थात ये प्रारब्ध के भोग होते हैं। कहा गया प्रारब्ध संचित और क्रियामान, तीन तरह के कर्मों से यह मनुष्य जीवन चलता है। प्रारब्ध का भोग 50% अर्थात पूर्व जन्म में हमने जो लिखा के आ गए, जिसके जीवन में जितना कुछ लिख गया वह 50% ही होता है। कि प्रारब्ध का भोग जो है 50%, जिसमें धन, विद्या, पति पत्नी का जोड़ा, मान सम्मान, यश कीर्ति, अर्थात जो कुछ भी हमें मिल रहा है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं और सफलता जितनी हो पाती, कहते मैंने तो बहुत कर्म किया लेकिन सफलता नहीं मिली, अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। कई लोग बहुत कम सफल प्रयास करते हैं और जल्दी से सफलता मिल जाती है, यह उनके प्रारब्ध के भोग श्रेष्ठ हैं, इस कारण से ऐसा। इसके बारे में थोड़ा और आगे कहानी के रूप में भी बताऊंगा, लेकिन संचित की बात करते हैं। प्रारब्ध संचित और क्रियामान। संचित क्या है? जिसका 25% जीवन में प्रभाव पड़ता है। जब से हमारा जन्म हुआ हमने क्या संचय किया? क्या हम कोई बुरे कर्मों का संचय किया? क्या हमने अच्छे कर्मों का संचय किया? तो यदि हम सकारात्मक ऊर्जा का संचय करते गए, प्रारब्ध 50% का था, संचय भी हमारा 25% का है, यदि हमने अच्छे कर्मों का संचय करना शुरू कर दिया तो वह 50 से 75 हो जाता है और हम सफल हो जाते हैं। लेकिन यदि हमने संचय नकारात्मक शक्तियों से करना शुरू कर दिया, ईर्ष्या द्वेष की भावना से शुरू कर दिया, व्यवचार आलस्य से कर दिया, जीवन में आलस्य छा गया, नहीं कुछ नहीं करना, आलस्य है, मेरा मन नहीं करता यह सब करने का, संचय अपने हाथ में है। जैसे अगर बैंक में हमने कुछ पैसे रखे हैं, वह एक संचय हुआ, जब हमें आवश्यकता होती है तो हम उस रुपए को प्राप्त कर लेते हैं, धन को प्राप्त कर लेते हैं, तो वह संचय। फिर क्रियामान, 25% क्रियामान का होता है, हम कैसे कर रहे हैं, अर्थात किस ऊर्जा के साथ कर रहे हैं। जैसे किसी ने किसी कंपटीशन की तैयारी करी, प्रारब्ध में उसका था बढ़िया, संचित भी शुरू से उसने बहुत बढ़िया किया, लेकिन जब क्रियामान की बारी आई, तुरंत करने की बारी आई, तो वह उसको नहीं कर पाया, अर्थात क्रियामान उसको प्रभावित कर गया। तो जब हम प्रारब्ध, संचित और क्रियामान तीनों का समावेश बढ़िया से हो जाता है तो जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति आ जाती है। एक छोटी सी कहानी है प्रारब्ध, संचित और क्रियामान को लेकर के। एक धर्मदास नाम के व्यक्ति थे, उनकी दो संतानें थी, दोनों संतानों को अपने जैसे, जैसे यथा नामा तथा गुणा, जैसा उनका नाम था उसी तरह वो सोचते थे कि हमारे दोनों पुत्र यशस्वी हो, धार्मिक हो, हमारा नाम और मान सम्मान बढ़ाने वाले हो। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी औलाद मेरे से बड़ी हो, श्रेष्ठ हो, वो भी वही चाहते थे। उनकी अच्छे से परवरिश करी, एक स्कूल में और वही शिक्षक उन दोनों को पढ़ाते रहे। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि जो उनका बड़ा पुत्र था
वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का निकला और दूसरा गलत कर्मों की ओर चला गया। वो हमेशा परेशान रहते थे, सबसे पूछते जाते थे कि हमने तो परवरिश दोनों की बराबर करी, लेकिन एक विद्वान हो गया और एक मूर्ख हो गया, क्या कारण था। समय व्यतीत होता गया, धर्मदास जी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब उनका जो बड़ा पुत्र था वह धर्म कर्म पूजा पाठ लोगों की भलाई करने के लिए अग्रसर रहता था, जो भी दीन दुखी हो उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन की बात है कि वह तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था, मंदिर में गया, दर्शन और पूजन किया और वहां से वह सोचा कि मैं आज गरीबों की सेवा के लिए, दलित नारायण की सेवा के लिए यहां से निकलूंगा। और वह जैसे ही वहां सीढ़ियों से नीचे उतरा कि उसका पैर फिसलता है और उसका दोनों पैर टूट जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि ये तो बड़ा दान पुण्य करता था, दया धर्म करता था, बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन इसका पैर क्यों टूटा। अब लोग चार लोग उसको अपने कंधे में बैठा करके और सोचते चलो इसको घर तक पहुंचा देते हैं, उसको घर तक पहुंचाने के लिए चल देते हैं। ठीक दूसरी तरफ जो वह नकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित दूसरा वाला पुत्र था, वह विद्यालय गया हुआ था और कोठे से जैसे ही नीचे उतरा तो उसे हीरे का हार मिला। वो चार लोग बड़े जोर जोर से चिल्लाकर बोला, अरे मैं तो राजा बन गया, मेरे तो हीरों का हार, करोड़ों का हार मिल गया मेरे को। अब जो कई लोग जोर सुने, ये रे इसको तो हीरे का हार मिल गया, तो लोग उसे खुशी से कंधे पे उठाकर उसको भी लेके चले। अब रास्ते में दोनों तरफ से चल रहे, एक तरफ उस धार्मिक व्यक्ति को कंधे पे उठाए हुए जिसका पैर टूट चुका है और एक तरफ से उस जो नकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित रहा करता था, हीरे का हार मिल गया, उसको लोग लेके आ रहे हैं। नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, भगवान अब आपकी कोई साधना नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, क्योंकि जो गलत काम करता है वह कैसे बढ़ गया। आज वही हीरे का हार यदि इस गरीब को मिल जाता तो ये नाच ले जा करके और कहीं धर्म दया धर्म में लगा देता, लेकिन उस गलत मार्ग में चलने वाले को आज हीरे का हार दे दिया आपने, ये आपने सही निर्णय नहीं किया। इससे मृत लोक में आपके प्रति लोगों का नजरिया बदलेगा। भगवान मुस्कुराए और कहते हैं, नारद सब अपने अपने कर्मों का भोग है, जो जैसा कर्म करेगा उस तरह फल भोगेगा। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ये कैसा भोग, वो तो अच्छा काम कर रहा था लेकिन उसका पैर क्यों टूट गया, कल से उसको पानी कौन देगा। भगवान बताते हैं कि प्रारब्ध में पूर्व जन्म में उसके कर्म कुछ खराब थे, वह इस जन्म में भोग रहा है, लेकिन उसके संचित और क्रियामान इतने अच्छे हो गए हैं कि अब उसका पैर ठीक हो जाएगा और वह अच्छा इंसान बन जाएगा। लेकिन ठीक दूसरी तरफ जिसे आज हीरे का हार मिला है, जाकर के देखो तो मृत लोक में क्या होता है। राजा को जब पता चलता है कि मेरा हीरे का हार कहां है, वो सिपाही सैनिक अपने दौड़ा देता है कि जाकर के मेरे हीरे का हार खोजो। खोजते खोजते उस व्यक्ति के पास तक पहुंच जाते हैं जिसके पास वह हीरे का हार था। राजा के सिपाही उस व्यक्ति को ले जाकर के राजा के पास खड़ा करते हैं। राजा कुछ सुनने के लिए कहता, नहीं नहीं इसको तो फांसी पे लटका दो, इसने चोरी किया है, या कि पड़ा भी पाया था तो इसका कर्तव्य था कि यह इसको राजा के पास लाकर देता, इसको फांसी पे लटका दो। और उसको फांसी हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति का पैर टूटा आज उसको मृत्यु तुल्य कष्ट था, आज उसको मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाना चाहिए था, मृत्यु हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने शतकर्मों से उस पर विजय प्राप्त कर ली। और जिसे हीरे का हार मिला था आज उसको एक राज्य का राजा होना चाहिए था, लेकिन उसके जो गलत काम करते थे, सत्ता संचित और क्रियावान दोनों कर्म उसके श्रेष्ठ नहीं थे, जिससे केवल उसे हीरे का हार भी मिला और वो भी क्षणिक सुख को प्राप्त करके और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो हिंदू धर्म में यह भी कर्म बताने के लिए, कर्म कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए, हम बुरे कर्म ना करें, श्रेष्ठ कर्म करें, सत कर्म करें, अच्छे कर्म करें। और प्रकृति की प्रार्थना, वेद प्रकृति तत्वों की प्रार्थना के लिए, आज जिसे पर्यावरण के लिए देश विदेश में तरह तरह की वर्कशॉप या मीटिंग किए जाते हैं कि हमें पर्यावरण को संरक्षित करना है, हमारे वेदों में पुराणों में तो हमको शुरू से नीम की पूजा करते आ रहे हैं, बावलियों की पूजा करते आ रहे हैं, पीपल की पूजन करते आ रहे हैं, अर्थात हम उसे देवतुल्य मानते थे। चित जल पावक गगन शमीरा, अर्थात ये जो पांच तत्व है इसकी हम पूजन करते आ रहे हैं। हम जल में भी वरुण देवता का वास देखते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, हम तो सभी तत्वों की पूजा करते आ रहे हैं। अर्थात हिंदू धर्म हमें प्रकृति की प्रार्थना, प्रकृति की सम्मान के लिए तो शुरू से प्रेरित करता रहा। गुरु का महत्व, ऋषि मुनियों अर्थात जो मुझे ज्ञान दे, हम उसकी श्रद्धा से उसको नमन करते हैं। तभी तो कहा गया है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माता। तभी तो रामचंद्र जी चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र भी प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु की सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण वंदना करते हैं। गुरु की महिमा के बारे में, गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, हम इस तरह से उसको आदर या सम्मान देते हैं। सर्व धर्म समभाव, हिंदू धर्म सभी धर्मों में समभाव, सभी धर्मों को। तभी तो कहा जाता है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। हम अपने धर्म के साथ साथ किसी भी धर्म को अधम नहीं समझते, अर्थात सबको श्रेष्ठ मानते हैं, सभी धर्म समभाव है। तभी तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि विश्व में रहने वाले सभी मेरे परिवार के लोग हैं। यम नियम, हिंदू धर्म में यम नियम, अर्थात यम क्या होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इस पर हम विश्वास करते हैं। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच पवित्रता, हम कितने पवित्र हैं। तभी तो हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि हमें प्रातः काल उठना चाहिए, स्नान आदि करने के बाद ही कहीं निकलना चाहिए, अर्थात हम पवित्र रहें, स्वच्छ रहें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मनुष्य वाचा कर्मणा, हम अपने मन से, वाणी से, कर्म से सबसे पवित्र रहें। हम ऐसी किसी भाषा का प्रयोग ना करें जो वह सर्वजनीन नहीं है, अर्थात जिसको हम सब जगह नहीं बोल सकते, हम ऐसी भाषा का प्रयोग ही क्यों करें। हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सर्वजनीन हो, अर्थात हम जो सब जगह बोल सकें। स्वाध्याय,
जब भी हमें समय मिले तो हमें स्वाध्याय करने की आवश्यकता होती है। वेदों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन, गीता, रामायण, महापुरुषों के बारे में अध्ययन करें, अर्थात उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मोक्ष का मार्ग, हम सब जीवन जीते हैं, लेकिन यह अंतिम इच्छा होती है कि सदगति मिले, मोक्ष मिले। हम ऐसा कुछ कार्य ना करें कि नरक गामी बने, ऐसे योनि में ना चले जाएं जो कि जाकर पछताना पड़े। हम सब चाहते हैं कि हमारी सदगति हो, मोक्ष को प्राप्त हो जाए। हम ऐसा कुछ कर्म करेंगे और यह हिंदू धर्म की विशेषता है कि कहा गया होगा निश्चित रूप से, जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया था कि यदि ऐसा करेंगे तो हम गलत कर्म करने से डरेंगे कि हम दूसरे को ना सताएं, दूसरे को परेशान ना करें, दूसरे का सामान ना चुराएं, ईर्ष्या द्वेष की भावना में ना जिए। अर्थात हम ऐसा कुछ कर्म करें जिससे मोक्ष मिले। तो हिंदू धर्म में निश्चित रूप से इस तरह के, जैसे संध्या वंदन, श्राद्ध तर्पण और दान आदि का महत्व, यज्ञ कर्म, ये सभी चीजें जो बताई गई वह एक अच्छे इंसान बनने के लिए, कि हम एक अच्छे इंसान के रूप में अपना और अपने देश का नाम रोशन करें, अपने मां बाप गुरुजनों का नाम रोशन करें, इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। बोले भारत माता की।